हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजायर फुलफिल डिजायर्स पर। दोस्तों, आज हम दूसरी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और इसके थ्रू हम अपनी इंग्लिश सुधारेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी है बैड कंपनी। एक बार एक लड़का बुरी संगत में पड़ गया। Once a boy fell into a bad company. वह बुरे लड़कों से मिल गया और अपना समय बेकार किया। He mixed with bad boys and wasted his time. इस बात ने उसके पिता को बहुत तकलीफ पहुंचाई। It pained his father a lot. उसने उसको सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। He tried his best to set him right, but no use. एक दिन उसके पिता को एक उपाय सूझा। One day his father thought of a plan. उसने बाजार से कुछ ताजा सेब खरीदे। He bought some fresh apples from the market. साथ में वह एक सड़ा हुआ सेब भी लाया। He brought one rotten apple also. उसने अपने बेटे से कहा, इन सेबों को अलमारी में रख दो। He said to his son, put these apples in the almirah. लड़के ने वैसा ही किया। The boy did so. अगले दिन पिता ने उससे वो सेब लेकर आने को कहा। Next day the father asked him to bring the apples. वो सारे सड़ गए थे। They were all rotten. पिता ने कहा, एक खराब सेब ने सारे ताजा सेबों को खराब कर दिया। The father said, one rotten apple has spoiled all the good ones. बुरे मित्र बुरे सेबों की तरह ही होते हैं। Bad friends are like bad apples. वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस बात ने जादू की तरह काम किया। They will spoil you. These words work magic. उस लड़के ने बुरी संगत छोड़ दी और पहले की तरह अच्छा बन गया। The boy gave up bad company and became as good as before. Moral: better alone than in a bad company. इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुरे साथ से अकेले रहना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल डिजायर फुलफिल डिजायर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और thanks for watching. See you in our next video. Till then, bye bye.